Hi guys, अगर आप मेटल चेन स्ट्रैप में एक बढ़िया स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो अंडर 3000 तो मेरे पास है आज मैक्समा मैक्स प्रो हंट और इसमें बहुत सारे फीचर्स बढ़िया देके रखे हैं। इससे पहले मैं मैक्समा की मैक्स प्रो कोरल यूज करता था जिसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं थी, बट अभी ये जो लेटेस्ट आया है मैक्समा का मैक्स प्रो हंट इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी है और भी काफी सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स देके रखे हैं, तो मैंने अपने लिए इसे लिया है। अगर आपने मुझे ब्लॉग चैनल पर भी फॉलो किया है तो आपको पता ही होगा मैक्स प्रो कोरल तो मैं यूज करता हूं जो कि अंडर 2000 है, बट अभी टाइम है थोड़ा सा अपग्रेड करने का। काफी दिनों से मैं इसे यूज भी कर रहा हूं, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो फिर गाइस ये रहा बॉक्स, बॉक्स के ऊपर जो एमआरपी है वो है 10,999, बट गाइस डोंट वरी अंडर 3000 ये मिल जा रही है। बाकी बॉक्स के ऊपर काफी सारे फीचर्स इन्होंने मेंशन करके रखे, एक साल की वारंटी भी मिल जाती है और इनकी खुद की ऐप भी है मैक्सिमा स्मार्ट वॉचेस के लिए। तो पहले मैं अनबॉक्स करता हूँ, फिर से मैंने पैक किया था इसे। सबसे पहले एक पेयरिंग कार्ड है और साथ में वारंटी रजिस्ट्रेशन, और फिर आ जाती है हमारी ये स्मार्ट वॉच जो कि बहुत ही लग्जरी दिखती है, और एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, और लास्ट में चेन को एडजस्ट करने के लिए एक टूल देके रखा है, इससे आप चेन का साइज कम और ज्यादा कर सकते हो, और एक यूजर मैनुअल भी देके रखा है। गाइस तो बहुत तो आगे हमारे हाथ में। सबसे पहले बता दूं कि मैंने मैक्समा की वॉच क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि ये बहुत पुरानी ब्रांड है और बहुत ही प्यारी प्रीमियम क्लासिक वॉचेस ये बनाती थी, और अभी स्मार्ट वॉचेस भी बना रही है जो कि प्रीमियम लुक के साथ में। और इससे पहले मैं मैक्समा मैक्स प्रो कोरल जो यूज करता था ये भी हाथ में पहनने में काफी कंफर्टेबल थी मेटालिक स्ट्रैप होने के बावजूद भी, तभी मैंने ये जो लेटेस्ट आई है इनकी मैक्समा प्रो हंट जो कि मेटालिक चेन स्ट्रैप में भी है और उसके साथ में प्रीमियम मेटल केस इन्होंने यूज किया है। चलो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो गाइस मेरे पास है ये जेट ब्लैक कलर में, और ये जो मेटालिक चेन स्ट्रैप देके रखा है ये भी काफी प्रीमियम लग रहा है, मैक्स प्रो यहाँ पर लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ सारे सेंसर देके रखे हैं, और फ्रंट में सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और राइट साइड में एक वर्किंग क्राउन बटन देके रखा है जिसमें हल्का जैसा रेड टच देके रखा है, प्यारा लग रहा है। उसके साथ में एक और बटन देखे रखा है जैसे एप्पल वॉच में होता है, उसी तरह से ये एक एक्शन बटन है, जैसे आप इसे प्रेस करोगे तो स्पोर्ट्स मोड की ऑप्शन आ जाती है, और यहाँ पर ये एक माइक भी देखे रखा है। और ये जो केस इन्होंने यूज किया ये मेटालिक केस है, काफी सॉलिड है और ग्लोसी फिनिश में है। और वॉच की दूसरी साइड देखें तो यहाँ पर स्पीकर भी देखे रखा है क्योंकि इसमें हमें ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिल जाती है। डिजाइन तो आपने देख लिया, बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये जो इन्होंने मेटालिक स्ट्रैप यूज किया है ना इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि इससे पहले मैं मैक्स प्रो कोरल यूज करता था, अभी तक भी कोई भी स्क्रैच नहीं है और कहीं से पेंट नहीं निकला है, और ये जो मैक्स प्रो हंट इसकी क्वालिटी भी मुझे सेम ही लग रही है, कहीं से पेंट इसका निकलने वाला है नहीं और काफी प्रीमियम और लग्जरी भी लगती है देखने में। तो बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है और IP67 की रेटिंग भी देके रखी है, तो पानी और डस्ट से इजीली खराब होने वाली भी नहीं है। अब गाइस डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 1.78 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देके रखी है, और ये जो डिफॉल्ट वॉच फेस है ये एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह लगता है, तो काफी सही लगता है वैसे वॉलपेपर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले उस पर से कलर्स बहुत प्यारे आते हैं, और ये जो वर्किंग क्राउन देके रखा है ना इसकी मदद से आप वॉच फेसेस चेंज भी कर सकते हो, और इनके ऐप के ऊपर बहुत सारे वॉच फेसेस देके रखे हैं, और डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस भी 1000 निट्स देके रखी है, बहुत ही सही नंबर मैं कहूंगा, तो डे लाइट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पर डिस्प्ले के बेजल्स का आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा, जो बेजल्स देके रखे हैं ना उनका साइज सेम ही है, वरना कुछ वॉचेस की चेन काफी मोटी होती थी, बट यहाँ पर इक्वल साइज देके रखा है। और आप ब्लैक वॉच फेस यूज करते हो ना तो वहां पर तो बेजल्स का पता नहीं लगता है, एमोलेड डिस्प्ले है ना उस वजह से। चलिए गाइस अब मैं आपको फीचर और यूआई दिखा देता हूं। आप स्क्रॉल अप करते हो तो आपके जितने नोटिफिकेशन है वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं, और राइट स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आप खुद से कोई भी फंक्शन ऐड कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो भी आपने ऐड करना है, जैसे वेदर अपडेट्स आपने ऐड करनी है, इसके साथ में मैं हार्ट रेट मॉनिटर ऐड कर रहा हूँ तो ये ऐड हो गया। यहाँ पर अब आप क्विकली यूज कर सकते हो, तो इसी तरह से जो भी आपने ऐड करना है वो कर सकते हो। और लेफ्ट स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपकी रिसेंट एक्टिविटीज और जो बाकी के फंक्शंस है वो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो इजीली। और स्वाइप डाउन करते हो तो यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स जैसे ब्राइटनेस हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर्स हो गया, और सेटिंग्स टॉर्च ये सारी ऑप्शंस देके रखी है। लो पावर मोड भी है इसमें तो वो भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। और अब चलते हैं सेटिंग्स की तरफ, सेटिंग्स दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर सेटिंग्स सबसे पहले डिस्प्ले जिसमें ब्राइटनेस की ऑप्शन आ जाती है, स्लीप में आप डाल सकते हो, वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, मेन्यू व्यू यहाँ पर काफी सारे देके रखे हैं और काफी अच्छे अच्छे मेन्यू व्यू है, हनीकॉम डिजाइन में मिल जाता है, ग्रिड व्यू मिल जाता है, और भी बहुत सारे हैं जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब इतने सारे ऑप्शन है, आपको कोई ना कोई तो अच्छा लग ही जाएगा। मुझे लिस्ट व्यू सबसे प्यारा लगता है, मैं तो इसे रख रहा हूँ। और साइड में ये वर्किंग क्राउन बटन है जो कि यहाँ पर भी वर्क करता है जब आप मेन्यू वगैरह यूज करो उस टाइम भी। डिस्प्ले में यहाँ पर लास्ट में रिस्ट रेज की ऑप्शन भी है, तो ये भी काफी अच्छे से वर्क करती है, और इस बार मुझे स्पीड भी काफी सही लगी। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करती है, जैसे आप वॉच को अपनी तरफ करोगे तो इसकी डिस्प्ले ऑन हो जाती है, जैसे आप हाथ को डाउन करोगे तो ये बंद हो जाएगी, और अपनी तरफ लेके आओगे तो ऑन हो जाएगी, और स्पीड काफी अच्छी है। डिस्प्ले के बाद यहाँ पर वाइब्रेशन एंड रिंग की ऑप्शन देके रखी है, इसमें मोड्स भी देके रखे हैं, इन्हें आप चेंज कर सकते हो वाइब्रेशन एंड रिंग, और म्यूट करना चाहते हो म्यूट भी कर सकते हो, क्योंकि इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग भी देके रखी है। और वाइब्रेशन की इंटेंसिटी भी आप चेंज कर सकते हो, स्ट्रांग और सॉफ्ट दो ऑप्शन मिल जाते हैं, स्ट्रांग पर वाइब्रेशन काफी ज्यादा फील होती है, सॉफ्ट पर बिल्कुल लाइट
लाइट सी रहती है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट स्ट्रॉन्ग में बैटरी भी ज्यादा यूज होती है। इसके अलावा डीएनडी मोड मिल जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब, लो पावर मोड मिल जाता है, ये भी काफी काम आता है। इसे ऑन कर दोगे आप तो फिर बैटरी बैकअप काफी इंक्रीज हो जाता है वॉच का। और फोन के ऑप्शन है, यहाँ से आप ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, मीडिया ऑडियो ऑन ऑफ की ऑप्शन भी है, ये मुझे काफी सही लगा। जब आप अपने फोन में कोई सॉन्ग प्ले करते हो उसकी आवाज डायरेक्ट बॉस से आने लगती है। फिर जब हमें स्मार्टफोन से गाना सुनना होता है तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ती है आउटपुट, बट मुझे ये सेटिंग काफी प्यारी लगी। यहाँ से आपने बस बंद कर देना है। अब जब भी आप म्यूजिक प्ले करोगे आपके बॉच के स्पीकर से आउटपुट नहीं आएगी, और ये प्रैक्टिकली बहुत काम में आता है। और इसी तरह से आप फोन कॉल के ऑप्शन को यहाँ से बंद भी कर सकते हो। इसके अलावा स्क्रीन क्लॉक की ऑप्शन है, यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल दोनों ऑप्शन मिल जाती है, क्योंकि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देके रखे। जैसे यहाँ पर मैं डिजिटल रख रहा हूँ, ये मैंने ऑन कर दी, और यहाँ पर कह रहा है कि आपकी बैटरी ज्यादा यूज होगी। अब स्क्रीन बंद भी है बट फिर भी मैं टाइम देख सकता हूँ, तो ये डिजिटल में इस तरह से दिखती है और एनालॉग में इस तरह से दिखती है। और एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आप यूज करते हो ना तो बैटरी बैकअप फिर भी अच्छा निकाल देती है ये। और यहाँ पर सिस्टम सेटिंग देके रखे, जिससे आप रीसेट, पावर ऑफ और रिस्टार्ट कर सकते हो। और लास्ट में अबाउट है, जहाँ से आप इसके ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वर्जन देख सकते हो। आपको मैं ऐप का इंटरफेस भी दिखा देता हूँ, ऐप भी काफी बढ़िया है इनके। होम पेज पर आपकी सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, स्लीप ट्रैक भी देके रखे इस वॉच में, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी है इस वॉच में, और यहाँ पर जीपीएस भी है इसमें। आप अपना यहाँ से टारगेट सेट करके स्टार्ट कर सकते हो और काफी एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं जीपीएस की वजह से। और यहाँ पर आपके वॉच के सारे फीचर्स आ जाएंगे, और यहाँ पर ई कार्ड के ऑप्शन भी है। यहाँ पर आप कोई भी क्यूआर कोड अपलोड कर सकते हो, अगर आपने किसी से पेमेंट लेनी है तो अपनी यूपीआई आईडी वाला क्यूआर कोड ऐड कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड ऐड कर सकते हो। यहाँ पर बस आपने अपलोड करना है, फिर कोई भी आपके बॉस से उसे स्कैन करेगा और डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है आपको, या फिर जो भी आपने सोशल मीडिया का हैंडल रखा होगा ना वो ओपन हो जाएगा। और फेवरेट कॉन्टैक्ट में आप कॉन्टैक्ट नंबर्स ऐड कर सकते हो, और बाकी की नॉर्मल बेसिक सेटिंग्स है जो कि हमें चाहिए होती है, तो सारी यहाँ पर देके रखी है। फुल डे हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी देके रखी है। ये बैटरी थोड़ा यूज करती है बट हेल्थ के लिए काफी सही रहती है। अगर हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये रियल टाइम ट्रैक करती रहेगी, जब भी जरूरत होगी तो आपको अलर्ट कर देगी। और ये बाकी की सेटिंग्स आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर हार्ट रेट अलर्ट भी आप सेट कर सकते हो, 195 से ऊपर आपकी हार्ट रेट जाएगी तो अलर्ट आपको आ जाएगा। ड्रिंक वाटर रिमाइंडर भी है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप देख लो, काफी काम के, हेल्थ के लिए भी काफी बढ़िया है। और वॉच में आपको अपडेट्स भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, अभी लेटेस्ट वर्जन पर रन कर रही है। और लास्ट में यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ गई, जिसमें आप अपना गोल और हेल्थ के रिलेटेड सेटिंग्स सेट कर सकते हो। और बाकी की जो ऐप में फीचर्स है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर फीचर्स में आप आओगे तो एक्टिविटी है, स्लीप ट्रैक देख रखा है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी है, कॉलिंग फीचर भी आप यूज कर सकते हो, एक्सरसाइज मतलब आपके स्पोर्ट्स मोड यहाँ से ओपन हो जाएंगे, एक्सरसाइज रिकॉर्ड भी है, जो भी आपकी एक्सरसाइज रहेंगी वो रिकॉर्ड भी रहेंगे आपकी वॉच में, SPO2 सेंसर है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, वेदर अपडेट्स आ गया, मैसेज आ गया, आपके कैमरा भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो अपने फोन का, और म्यूजिक कंट्रोल भी देके रखा है। रिलैक्सेशन, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो यहाँ पर रिलैक्सेशन आप अपनी ब्रीथिंग पर कंट्रोल कर सकते हो। AI वॉइस देके रखे, जिससे आप सीरी और गूगल को कमांड दे सकते हो। टाइमर भी है, अलार्म की ऑप्शन भी है, स्टॉप वॉच भी है, और साइकिल ट्रैकिंग ऑप्शन भी है, फाइंड फोन की ऑप्शन भी है, सभी ऑप्शन काम किए। एक बार कॉलिंग फीचर को यूज करता हूँ और आपको बता दूं कि कैसी कॉल क्वालिटी आती है। हेलो निखिल जी, जय श्री राम। जय श्री राम, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ठीक आ रही है भाई, ठीक। बिल्कुल क्लियर आ रही है, थोड़ा अलग सा लग रहा है, हल्की सी गूंज रही आवाज। अच्छा, एको हो रहा है? ठीक है ठीक है, एको। वैसे जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियर सुनाई दे रहा है ना? हाँ, वो तो पूरा पता चल रहा है। अच्छा चल, बढ़िया। और घर में सब बढ़िया? सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया। चल ठीक है फिर ब्रो, बाय। ओके ब्रो, बाय। ओके तो फिर गाइस, कॉलिंग फीचर भी मैंने आपको यूज करके बता दिया। हाँ, कॉलिंग के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। ब्लूटूथ 5.2 इन्होंने यूज किया है, तो कनेक्शन भी ठीक रहता है, कनेक्शन भी नहीं टूटता है। अगर थोड़ा दूर भी आप अपने स्मार्टफोन से तब भी अच्छे से वर्क करता है। अब गाइस बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं, तो देखो अगर आप कॉलिंग फीचर यूज कर रहे हो और उसके साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज कर रहे हो तो 3 दिन के आसपास बैटरी बैकअप ये निकाल के दे देती है। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और कॉलिंग फीचर यूज नहीं कर रहे हो तो 4 दिन तक का बैटरी बैकअप ये निकाल के दे देती है। बैटरी बैकअप वॉच के हिसाब से बढ़िया है, एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, प्रीमियम डिजाइन मिल रहा है। और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो अराउंड 2 आवर्स ले लेती है फुल चार्ज होने में, 0 से 100 होने में, तो कुछ इस तरह का बैटरी बैकअप है। और इसके अलावा 1 साल की वारंटी भी देके रखी है इन्होंने। अब लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ, क्या ये वॉच आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। देखो प्रीमियम वॉच है, देखने में काफी बढ़िया है और लग्जरी भी है, स्मार्ट भी है, फीचर्स सभी वर्क करते हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 सेंसर, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, एक्शन स्पोर्ट्स मोड के लिए अलग से एक्शन बटन भी देके रखा है, वर्किंग क्राउन बटन भी है, और जेट ब्लैक कलर तो भाई बहुत ही ओपी लगता है, मेटालिक डिजाइन है, और जो स्पीकर की आउटपुट है इसकी वो भी बढ़िया है। मतलब आप कॉल के ऊपर बात करो तो आपको भी प्रॉपर सुनाई देता है। तो हाँ, जिस रेंज में मिल रही है, अगर आपको ये वॉच अच्छी लगी तो आप खरीद सकते हो। इसका बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आ जाना वहां पर भी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।